कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं, ओमिक्रॉन से मुतल्लिक आलमी इदारे सेहत का अहम बयान सामने आया। माहरीन का कहना है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का सबब नहीं है। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का इम्कान भी नहीं, इसलिए हमें बहुत मुहतात होने की जरूरत है। आलमी इदारे सेहत के स्कीम कुमार माइकल राइन का कहना है कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन पर बिल्कुल भी असर ना करे। इन्होंने कहा कि कोरोना के तमाम वेरिएंट के खिलाफ सबसे मोसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। बात दुरुस्त है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, ताहम किसी भी नए वेरिएंट का इस तरह फैलना सरप्राइज नहीं होता। एफपीआर ने प्रॉपर्टी की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक रोक दिए है। तमाम चीफ कमिश्नर्स ने वैल्यूएशन रेवन्यू कमेटियां कायम की है। रियल स्टेट सेक्टर के नुमाइंदे भी तजावीज पेश कर सकते हैं। एफबीआर के मुताबिक प्रॉपर्टी की रजासानी शुदा वैल्यूएशन का ऐलान 15 जनवरी को किया जाएगा। तमाम चीफ कमिश्नर 10 दिसंबर तक वैल्यूएशन रेवन्यू कमेटी कायम करेंगे। कमेटी तमाम तर रियल एस्टेट सेक्टर से मुशावरत करेगी। एफबीआर टेस्ट बैंक माहरीन टाउन प्लानर से मुशावरत करेंगी। कमेटियां 10 जनवरी तक तजावीज को हतमी शक्ल देंगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में ग्रीन बेल्ट में लगे हरे भरे दरख्त काट दिए गए। शहर में आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसे कम करने के लिए दरख्तों की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से भी आए रोज दरख्त लगाने की मुहिम की जाती है, लेकिन दरख्त काटने की वजह से फाइव स्टार चरंगी से नंडी कोतल जाने वाली सड़क बंद हो गयी। किसी का अमला ये बताने के लिए मौजूद नहीं है दरख्त क्यों काटे गए हैं और किसने काटे हैं। शहर में आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, दरख्तों की शदीद जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त काट दिए गए हैं।